हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का स्टेयर केस लेआउट मार्किंग के बारे में, और स्टेप मार्किंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे डिग्री निकालेंगे। 3-4 मैं डिजाइन इसमें देख सकते हैं, ये सब बना के रखा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए बिल्कुल समझने में। बिल्कुल मैं मार्किंग वगैरह करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी स्टेयर केस में 2 डिजाइन है, यहाँ से नीचे की तरफ आ करके और यहाँ पर एक रेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीका से एक सीधा जाता है, यहाँ से इस तरीका से आ करके नीचे की तरफ एंड हो जाता है डिग्री में मुड़ करके। तो इस तरीका से भी होता है, और नहीं तो इस तरीका से सीधा जा करके और उसके बाद फिर डिग्री में नीचे जाता है। तो उस डिजाइन में भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीका से इसका मार्किंग होगा और कैसे यहाँ पर हम ये स्टेप का मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि ये मैं एक लेआउट बना के रखा हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप स्टेयर केस का मेजरमेंट करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरीका से ये प्लेटफॉर्म का हाइट है, और यहाँ से ये इसका हाइट दिया गया है 1800 mm, और यहीं से इसका लेंथ दिया गया है 2 मीटर 145 mm। तो इस तरीका से मान लीजिए कि आपको स्टेयर केस 40 डिग्री में बनाना हो या 38 डिग्री में बनाना हो, जैसे कोई ड्राइंग में दिया है या फिर कोई कंपनी आपसे कह रहा है कि आपको 40 डिग्री में बनाना है या 38 डिग्री में बनाना है, तो आपको हाइट सिर्फ पता होना चाहिए कितना हाइट से हमको बनाना है। यहाँ से हमें हाइट चेक कर लेना है। देख सकते हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म के टॉप के लेवल से ये इसका हाइट 1800 mm है। तो ये 2 मीटर 145 mm कैसे आया, इसका हम कैलकुलेशन पहले आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीका से हम कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम 10, और यहाँ पर हम डिग्री डालेंगे 50 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पर ये 40 डिग्री में अगर स्टेयर केस बनाना है तो हमें यहाँ पर 50 डिग्री लेना पड़ेगा, तब जा करके हमें यहाँ का डायमेंशन निकलेगा। क्योंकि एक तरफ अगर आप 40 डिग्री लेते हैं तो दूसरे तरफ 50 डिग्री होगा और इधर 90 होगा, तो तीनों डिग्री मिला करके 180 डिग्री का ये ट्रायंगल रहता है। अगर इधर 40 है तो इधर 50 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप डिग्री निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 50 डिग्री है, इस तरीका से एक और हम ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू जो ये डायमेंशन है, हाइट है, हम हाइट देख लेंगे कितना हाइट है, 1800 इसका हाइट है। तो देख सकते हैं ये हमने डाला तो यहाँ पे निकल गया 2 मीटर 145 mm। तो इस तरीका से आपको इसका डायमेंशन निकाल, जैसे आपका स्टेयर केस 40 डिग्री है तो 90 में हम 40 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। जैसे यहाँ पर अगर 42 डिग्री में बनाना है तो यहाँ पर 48 डिग्री रहेगा, यहाँ पर अगर हम 38 डिग्री में बना रहे हैं ये स्टेयर केस तो यहाँ पे 52 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ पर 52 डिग्री लेंगे, लेकिन हमें स्टेयर केस 40 डिग्री में बनाना है तो यहाँ पर 50 डिग्री रहेगा। हाइट जो है इसका 1800 mm है। तो इस तरीका से हम कैलकुलेशन करेंगे, 10 डालेंगे और 50 डिग्री ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू हाइट कर देंगे। देख सकते हैं 2 मीटर 145 mm निकल गया यहाँ का डायमेंशन। इस तरीका से डायमेंशन निकालने के बाद हम एक लेआउट मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं किस तरीका से ये लेआउट मार्किंग किया गया स्क्वायर में, सेम वैसे ही आपको एक स्क्वायर में मार्किंग कर लेना है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से स्टेयर केस आपको इस तरफ सीधा जा रहा है या फिर यहीं से नीचे की तरफ डाउन कर देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहीं से नीचे की तरफ हमें डाउन कर देना है, तो हमें पूरा यहाँ तक का डायमेंशन लेना है जो 1800 ये डायमेंशन दिया गया है। अब उसके बाद ये 1800 डायमेंशन को हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कितना स्टेप बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 12 स्टेप से डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ का जो डायमेंशन है 1800 mm, उसे हम डिवाइड करेंगे 1800 डिवाइड 12 स्टेप, तो देख सकते हैं 150 mm आ रहा है। तो इसी तरीका से ये स्टेप का डायमेंशन निकलेगा। जब ये स्टेप का डायमेंशन निकलेगा तो हम इसमें एक एक लाइन इस तरीका से ये मार्किंग करेंगे इसी बॉक्स में। देख सकते हैं लेआउट पर हम इस तरीका से मार्किंग कर लेंगे, 150 mm पर हमारा ये स्टेप आएगा। अब ये ऊपर से ये स्टेप का जो दूरी रहेगा वो भी सेम हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ का जो दूरी दिया गया है यहाँ से ले करके और पूरा यहाँ एंड तक जहाँ पर ये एंड हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ एंड हो रहा है, तो इसका डायमेंशन जो आया हुआ है 2 मीटर 145। तो इस तरीका से 2 मीटर 145 को हम डिवाइड करेंगे 12 स्टेप से, तो देख सकते हैं 178.75 आया हुआ है। तो इस तरीका से 178 पर टोटल एक एक लाइन हम मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरीका से ये सब लाइनिंग मार्किंग किया गया है, सेम ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। तो ये आपका स्टेप का ये लाइनिंग इस तरीका से हो जाएगा, ये स्टेप का लेआउट सब निकल गया। तो इस तरीका से लेआउट का मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हम चैनल को रख देंगे इस लेआउट के ऊपर, और राइट एंगल लगा करके हम
सभी इस मार्किंग को हम मार्किंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये जितना लाइनिंग है ये सब स्टेप का ये लाइनिंग है, आगे वाले फोटेज में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ अगर ये जाएगा तो यहाँ पे जो माइटर होगा वो 50 डिग्री में रहेगा। अगर ये हम 50 डिग्री में, जैसे कि ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम 50 डिग्री में मोड़ेंगे तो ये जो है 40 डिग्री में स्टेयर केस हो जाएगा। अगर आप ऊपर से इसका डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका डिग्री कटेगा, अगर दो चैनल इस तरीके से जुड़ रहा है तो यहाँ पे 40 डिग्री यहाँ पे आएगा। देख सकते हैं ये किस तरीके से डिग्री है। अगर बिल्कुल सीधा इसमें जोड़ेंगे तो आपको उतना 40 डिग्री ही काटना है, लेकिन आपको सिंगल माइटर काटना है। अगर डबल माइटर आप काट रहे हैं यहाँ पर दोनों में, तो 40 डिग्री को दो से डिवाइड करके दोनों में 20-20 डिग्री का माइटर कटेगा ये दोनों चैनल में, और यहाँ पे 25-25 डिग्री का माइटर कटिंग होगा। अगर यहाँ से सेम इस डिजाइन में अगर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपका एक स्टेप जो है हटा देना है, ये वाले डायमेंशन से आपको लेना होगा, यानी कि 300 mm माइनस हो जाएगा इसमें। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 300 mm आ रहा है, तो 300 माइनस करके यहीं से इतना ही दूरी को हम स्टेप गिनती करेंगे, यानी कि 10 स्टेप में यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से 10 स्टेप ही आएगा अगर इस तरीका से मुड़ रहा है तो। अगर इस तरीका से मुड़ रहा है तो यहाँ का जो माइटर रहेगा वो भी 40 डिग्री का ही रहेगा, जितना यहाँ पर डिग्री रहेगा सेम इतना ही यहाँ भी डिग्री रहेगा। आगे वाले फोटो में और क्लियर समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक एक स्टेप भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया हूँ डिजाइन कि आपके कहाँ कहाँ पर ये स्टेप आ रहा है, वही लेआउट है सेम। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से आपको स्टेप का मार्किंग कर लेना है लेआउट पे भी, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पर हमारा ये स्टेप आ रहा है। तो देख सकते हैं एक स्टेप का अगर हम ट्रायंगल डायमेंशन देखेंगे तो इधर का डायमेंशन जो है 150 है और इधर का जो डायमेंशन है 178 है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेम वही ट्रायंगल बनाया है 150 हाइट, और इसका जो आधार डायमेंशन है 178.7 है, और इसका जो डिग्री आएगा 40 डिग्री आएगा। तो इसका कर्ण जो डायमेंशन है ये वाला डायमेंशन आपको निकाल लेना है अगर आपको डायरेक्ट चैनल पर मार्किंग करना है तो। यहाँ पे 233 mm जो डायमेंशन आया है देख सकते हैं ये वाला, तो ये आपको निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने डिग्री भी निकाल करके दिखा दिया है कि ऊपर से अगर आप इस तरीके से डिग्री लेते हैं तो 50 डिग्री होता है, और नीचे से यहाँ से डिग्री में जाते हैं तो ये जो स्टेयर केस है 40 डिग्री में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो नीचे में यहाँ पे जो डिग्री है इसका, अगर आप दोनों चैनल में काटते हैं माइटर तो आपको दो से डिवाइड करके 25-25 डिग्री कटेगा, और यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो सिंगल डिग्री 50 डिग्री का ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिग्री जा रहा है, यहाँ पर ये सब जितना भी स्टेप है ये 50 डिग्री में है। अगर आप इस चैनल को सीधा करेंगे तो ये 50 डिग्री में ये सब स्टेप लगा हुआ है। तो फ्रेंड अब हम इसके आगे देखते हैं डिजाइन में, ताकि आपको और आगे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये चैनल पर डायरेक्ट मार्किंग किया हूँ बिना लेआउट का। आपको पहले लेआउट मार्किंग कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितना डिग्री में आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वो सब क्लियर समझ में आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट मार्किंग भी करना चाहते हैं तो इस तरीका से करेंगे। तो देख सकते हैं ये चैनल मैं 200 का चैनल बनाया हूँ, और यहाँ पर मुझे 50 डिग्री में ये स्टेप जो है ये सब मार्किंग करना है। ये सब जो 50 डिग्री में आपका स्टेप आएगा इस तरीका से, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 डिग्री में यहाँ पर स्टेप मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 10 और ये 50 लेंगे और ब्रैकेट और इनटू 200 डायमेंशन डालेंगे, जो चैनल का ये डायमेंशन है 200 mm है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 238 mm यहाँ पे डायमेंशन आ गया, यानी कि 238 mm यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से क्रॉस मार्किंग कर देंगे तो ये स्टेप का डिग्री एक निकल गया। और यहीं से ये जो दूरी है 233 mm जो मार्किंग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से आपको निकालना है। पहले स्टेप को डिवाइड कर लेना है कि कितना स्टेप आपको लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 स्टेप इस तरीका से ये लगाया गया है, तो 12 स्टेप में जब ये डिवाइड किया गया है तो इधर का डायमेंशन हाइट वाला डायमेंशन 150 और इधर का जो डायमेंशन है नीचे वाला जो डायमेंशन है वो 178 mm डायमेंशन है। तो देख सकते हैं इस तरीका से 150 और 178 और इसका ये कर्ण डायमेंशन निकला है 233। ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से हम कैलकुलेटर में जाएंगे और टाइप करेंगे रूट का बटन, इसमें एक ब्रैकेट लगा लेंगे और ये जो पहला डायमेंशन है 150 ये 150 डालेंगे और X2 दबाएंगे और प्लस, और उसके बाद ये नीचे वाला जो डायमेंशन ये हम डायमेंशन 178.7 और इसको भी हम X2 कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये डायमेंशन आ गया 233, यानी कि 233 mm ये इसका ट्रैवल डायमेंशन ये निकल गया यहाँ का। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है ये स्टेप का ये जो दूरी है, और ये यहाँ पर ये
चैनल में ये कितना डिग्री में यहाँ पर ये मार्किंग हो रहा है, ये डिग्री निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ से ये 50 डिग्री में ये मार्किंग हो रहा है और एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो दूरी है 233 mm ये आया हुआ है। तो इस तरीका से ये सब मार्किंग कर लेना है 233 पे, और इस तरीका से ये आपका स्टेप का ये मार्किंग हो जाएगा। देख सकते हैं ये मैं एग्जाम्पल आपको बताया हूँ समझने के लिए। और स्टेप का मार्किंग करने के बाद देख सकते हैं कि इस तरीका से ये सब स्टेप इसमें आपको लगाना है। देख सकते हैं किस तरीका से ये स्टेप नीचे की तरफ लगा हुआ है, मार्किंग के नीचे की तरफ, तो वैसे ही आपको लगाना है। और यहाँ पे जो ये डिग्री काटा गया 93 mm, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से जा रहा है, देख सकते हैं इस डिजाइन में ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको इस तरीका का डिजाइन अगर मान लीजिए बनाना है, दो चैनल को जोड़ना है नीचे की तरफ ले जाने के लिए, तो यहाँ का जो डिग्री है 50 डिग्री ही है, तो 50 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देना है, उसका 25 डिग्री आएगा। एक में माइटर जो कटेगा 25-25 डिग्री का दोनों में कटेगा 25 डिग्री का, और यहाँ पे ऊपर में 40 डिग्री में कटिंग हो रहा है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री इसमें कटेगा और 20 डिग्री इसमें कटेगा, यानी कि 20 डिग्री 20 डिग्री। तो उसको डिग्री मार्किंग करने के लिए ये वाला जो कटबैक निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, जैसे मैं आपको बताया 10, और यहाँ पर हम डिग्री लेंगे 20 और ब्रैकेट लगाएंगे इनटू, और 200 ये चैनल का डायमेंशन है, 200 हम डाल देंगे। देख सकते हैं 72 mm आ गया है। तो इस तरीका से 72 mm यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल में और ये चैनल में दोनों में माइटर कटेगा 20-20 डिग्री का, और सेम ऐसे ही दोनों इसमें भी मार्किंग होगा। 25 डिग्री में करेंगे तो 93 mm आएगा दोनों साइड। तो इस तरीका से आपको मार्किंग कर लेना है। अगर मान लीजिए कि इस तरीका से सीधा जा रहा है और ऊपर भी सीधा की तरफ जा रहा है, जैसे मैं आपको बताया इस डिजाइन में, देख सकते हैं ये नीचे की तरफ ना जाके ये सीधा इस तरीका से पहले जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे एक स्टेप बनेगा, तो उस तरीका का अगर डिजाइन का है तो उसमें आपको 40 डिग्री ही आएगा, जितना यहाँ पे डिग्री रहेगा उतना ही यहाँ भी डिग्री रहेगा, दोनों में सेम डिग्री रहेगा। तो जैसे मैं आपको बताया वैसे ही आपको मार्किंग कर लेना है। तो इसको और विस्तार से अगर आपको देखना है, अगर इसमें कुछ अपडेट हो, तो मैं अपने fittertraining.com वेबसाइट पर इसके बारे में बता के रखूंगा, वहां से आप विजिट करके आप देख सकते हैं। कुछ इसमें और अपडेट हुआ तो मैं वहां पे बता दूंगा, वीडियो में कुछ मिसिंग हो जाता है कभी कभी। तो इस तरीका से आपको लेआउट मार्किंग कर लेना है। देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ हाइट पता है और आपको यहाँ का डायमेंशन निकालना है, तो वैसे ही आपको डिग्री निकालना होगा कि यहाँ का डिग्री कितना है और यहाँ का डिग्री कितना है। कंपनी बोल रहा है कि इसे 40 डिग्री में बनाना है, तो आपको ये हाइट सिर्फ दे दिया गया है कि इतना हाइट है और यहाँ पे 40 डिग्री में बनाना है, तो आपको 90 डिग्री में 40 डिग्री माइनस कर देना है। जैसे 40 डिग्री में बनाना है तो हमें 90 में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ का 50 डिग्री निकल जाएगा, यानी कि 50 डिग्री यहाँ का निकलेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर में जाएंगे, टाइप करेंगे 10 और यहाँ पे 50 लगाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू ये हाइट वाला डायमेंशन 1800 mm डाल देंगे, तो देख सकते हैं 2 मीटर 145 mm यहाँ का डायमेंशन निकल गया, यानी कि यहाँ से 2 मीटर 145 mm के दूरी पर हम लगाएंगे तो ये 40 डिग्री में स्टेयर केस बन जाएगा। तो इसी तरीका से ये आपको कैलकुलेशन करना है, मार्किंग करना है, और लेआउट भी सेम ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेना है। जब लेआउट मार्किंग करेंगे तो दोनों साइड हम डायमेंशन चेक कर लेंगे, ट्रायंगल डायमेंशन बराबर है कि नहीं। इस तरीका से चेक करने के बाद आपको स्टेप का मार्किंग करने के लिए इस तरीका से दोनों साइड का डायमेंशन डिवाइड कर देंगे जितना स्टेप्स आपको बनाना है। तो हमने इसमें 12 स्टेप्स बनाया है, तो देख सकते हैं इधर का डायमेंशन 178 पर आया है और इधर का डायमेंशन 150 पर आया हुआ है। तो इस तरीका से आपको लेआउट मार्किंग करना है स्टेप लगाने के लिए, देख सकते हैं। तो इस तरीका से आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे रेड कलर का इस तरीका का बटन होगा उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।